आष्टा से बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। बहन शाहना पिता मोहम्मद शाह का अपने भाई से कई समय से विवाद चल रहा था। सुबह कुछ कहासुनी में दोनों में विवाद बढ़ा और बहन ने मशीन पर रखी कैंची से भाई के गले पर धारदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला जिसका नाम है शबाना भी, पिता का नाम महबूब शाह, ये आष्टा के रहने वाले हैं, पुराना दशहरा मैदान। उन्होंने आके बताया कि सुबह घर में उनके भाई राजा उर्फ अब्दुल रशीद से विवाद हो गया था। विवाद का कारण ये था कि तकरीबन 5 वर्ष पहले उसके भाई राजा उर्फ अब्दुल रशीद की पत्नी छोड़कर चली गई, जिसके लिए वो अपनी बहन शाहना को जिम्मेदार मानता था। इसी बात को लेकर आए दिन उनमें झगड़ा होता रहता था। आज सुबह इसी बात को लेकर फिर से कोई विवाद हो रहा था, जिस विवाद के दौरान भाई राजा उर्फ अब्दुल रजाक बेलन से जो है बहन को चोट पहुंचाई। प्रत्युत्तर में जो शबाना भी है की बहन, उसने पास में जो सिलाई मशीन होती है उसकी कैंची उठा के उसके गले में जोर से मार दी, जिससे गहरा घाव हो गया। घर वाले उसको लेके गए हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर साहब ने भी हमको तहरीर भेजी है, उसमें मामला हत्या का होमिसाइडल प्रतीत होना बताया है। लड़की स्वयं थाने उपस्थित हुई थी, उसने भी घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला रजिस्टर किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस लड़की की सूचना पर ही उसके यहाँ पहुंची थी। हाँ, ये बात सही है कि सबसे पहले जो है जो आरोपिया है शबाना भी, उसी ने स्वयं थाने आके घटना की सूचना दी थी। उन्हें यह भी बताया था कि ऐसे उसके द्वारा घटना घटित हुई है और घर पे उसको थोड़ा सा परिवार वालों से मारपीट आदि की आशंका भी है, जिसके चलते वो दौड़कर थाने आए और उसने सूचना दी। परिवार वाले चूँकि मृतक को हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ डॉक्टर साहब से भी हमको तहरीर प्राप्त हुई, दोनों जरिए हमको सूचना मिली है, उस पर से बताने का।